नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कपिल विश जीके में। दोस्तों आज का वीडियो हमारे सभी व्यूवर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धर्म कांटे से आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कपिल विश जीके में। दोस्तों आज का वीडियो हमारे सभी व्यूवर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि धर्म कांटे पर आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों धर्म कांटे पर पैसा कमाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपको बता दें, अगर आप धर्म कांटा लगवाते हैं या आपने धर्म कांटा लगवाया है, जैसा भी धर्म कांटा लगवाया है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, तो आप पैसा उस पर कैसे कमा सकते हैं। पहली बात, अगर आपने धर्म कांटा नहीं लगवाया है, आप लगवाने के विचार में हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप धर्म कांटा जो है थोड़ा बड़ा ही लगवाएं। बड़ा यानी जिसकी क्षमता ज़्यादा हो और उसकी डिस्प्लेट बड़ी हो। दोस्तों डिस्प्लेट बड़ी होगी तो उससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आपके यहाँ छोटी गाड़ियाँ भी वजन कराने आएंगी, जैसे 10 चक्की 12 चक्की ट्रैक्टर ट्राली, और अगर बड़ा होगा तो आपके यहाँ बड़ी गाड़ियाँ भी आएंगी, जैसे 18 चक्की 22 चक्की। दोस्तों आपको बता दें कि बड़ी गाड़ियों का चार्ज ज़्यादा होता है। बड़ी गाड़ियों का चार्ज 22 चक्का का 350, 18 चक्का का 300, फिर जैसे जैसी जगह है वैसे ही उसका चार्ज होता है। तो दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपना धर्म कांटा थोड़ा बड़ा ही लगवाना है, जिससे आपको फ़ायदा होगा और आपकी इनकम ज़्यादा होगी और आप अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है दूसरी बात का, कि आपने अगर नया धर्म कांटा लगवाया है तो आपको अपने, अगर आपका किसी कस्बे में है, किसी शहर में है, तो जो कस्बे का या जो शहर का रेट हो, तो आपको उनसे सभी से थोड़ा बहुत कम पैसा लेना है। जैसे कि अगर आपका नया कांटा है तो अगर हर जगह 22 चक्का के 350 पड़ रहे हैं तो आपको 300 रुपये ही स्टार्टिंग में लेने हैं। अगर आप स्टार्टिंग में कम पैसे लेंगे तो आपके यहाँ ग्राहक बढ़ते रहेंगे और आपका धर्म कांटा अच्छा चलेगा, आपके यहाँ गाड़ियों का आवागमन होता रहेगा, जिससे आपकी अच्छी कमाई हो जाएगी। दोस्तों आपने जितनी लागत लगाई है वो 2-3 साल में आराम से निकल आएगी। इसके बाद दोस्तों आपको हम बता दें कि धर्म कांटा जो है आपको ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे कोई कस्बा वगैरह हो, जहाँ पे राइस मिल वगैरह हो, जैसे चीनी मिल इस टाइप के मिल हो, सेंटर वगैरह हो, और जहाँ पे गाड़ियों का आवागमन ज़्यादा होता हो, हाईवे रोड हो, ऐसी जगह पे आपको धर्म कांटा लगवाना है। आपको एक इस बात का भी ध्यान रखना है जिससे आपकी कमाई दोगुनी हो जाएगी। और दोस्तों डिप्टी मोरल का भी, जहाँ पे काम होता हो, दुकानें होती हों। दोस्तों धर्म कांटे से कमाई का एक जरिया, एक आपको हम और भी बता दें, अगर आप धर्म कांटा आपने खोला है तो आप डिप्टी मोरल का भी काम कर ही लें। दोस्तों 100% आप कर लें, आपका उससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। जैसे आपके यहाँ गिट्टी मोरिंग बिकेगी तो आपको किस आपका जो है धर्म कांटा भी चलेगा, और आपके यहाँ जो है धर्म कांटे पे गाड़ियाँ तुल के जाएंगी और आपका कोई चार्ज भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपका खुद का ही धर्म कांटा होगा। इस बात का भी दोस्तों आप ध्यान रखें। आपने अगर धर्म कांटे, आप लोग अगर धर्म कांटा खोलना चाहते हैं या आपने खोला है, तो उसके बाद भी आप गिट्टी मोरिंग का काम कर सकते हैं। दोस्तों गिट्टी मोरिंग का काम आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आपकी जो है डेली की इनकम 50,000 रुपये गिट्टी मोरंग से होगी, और जो आपका धर्म कांटा है उसका भी काम गिट्टी मोरंग के माध्यम से बढ़ जाएगा। दोस्तों आप लोगों को इसी तरीके से धर्म कांटे का बिजनेस करना है, और आपको धर्म कांटे से अच्छी तरीके से जो है इस सिस्टम को बना के रखना है कि आप गिट्टी मोरंग का भी काम करें और धर्म कांटे का भी काम करें, जिससे आपकी दोगुनी कमाई होगी। दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी जो है धर्म कांटा अगर नहीं खोल रहा है तो आप लोग खोल लें, और अगर धर्म कांटा आपने खोल रखा है, गिट्टी मोरंग का काम नहीं कर रहे हैं, तो वो भी करें। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरीके से आप लोग भी धर्म कांटे पे दोस्तों अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आज का वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा हो अगर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि दोस्तों धर्म कांटे से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट जानकारी देते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।